नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक सुबह सुबह आपको ये खबर है कि बीएड वालों के लिए, खासकर जो सीटेट का एग्जाम हुआ था 2023 में, उनके रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है, तो बच्चे डर गए हैं। तो क्या अब बीएड प्राइमरी से बाहर है? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सीटेट का रिजल्ट है प्राइमरी का, जो बच्चे बीएड से हैं, उन पर रोक लगा दिया गया? चलिए, अगर इसके हम थोड़ा से इतिहास में बात करें तो जैसे कि 2018 में, अभी आपको मैं सब दिखाऊंगा, 2018 की बात है कि 2018 में एनसीटीई ने कहा था, जो एजुकेशन बीएड और डीएलएड आपकी कराती है, एनसीटीई ने कहा था कि 2018 में कि जो बच्चा बीएड किया है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, वो पीआरटी के लिए एलिजिबल है प्राइमरी के लिए, लेकिन उसके लिए उसको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर बात कहा गया था। इसी को लेकर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हाईकोर्ट में, कुछ ने इस बात से सहमत हुए, कुछ सहमत नहीं हुए, कुछ ने कहा कि नहीं बीएड को हटा दिया जाए प्राइमरी से। तो अलग अलग हाईकोर्ट हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, इन सबके अलग अलग मतभेद थे। तो यही केस आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, क्योंकि सभी याचित थे। अब यही केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट एनसीटी से जवाब मांग रही है कि भैया आप इसमें सबसे बड़ी संस्था हो, आप ही बताओ कि क्या बीएड एलिजिबल है कि नहीं प्राइमरी के लिए। तो ये तो कह ही रहे हैं कि एलिजिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि अभी यूपी टेट के बाद सीटेट के रिजल्ट पर भी अलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो प्राइमरी पे बीएड बच्चों का था उन पर रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है। अभी मैं उसको दिखाऊं तो ये ध्यान रखिएगा, यहां देखिए। ठीक है, इसको आप लोग देखिए ध्यान से। यहां पे बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीईटी प्राथमिक स्तर में 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, ये ब्राइटनेस में थोड़ा सा कम कर दे रहा हूं। चलिए, यहां पर साफ साफ देखिए कि जो आपकी सीटेट की परीक्षा है 2022, उसके परिणाम पर रोक लगा दिया गया है। और यह बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता है, उसके निर्णय के बाद ही हम इस रिजल्ट को घोषित करेंगे। बाकी लोगों का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन जो बच्चे आपके बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी सीटेट प्राइमरी का डाले हुए थे, उनका रिजल्ट अभी आउट नहीं किया जाएगा, इस पर अलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी की वैकेंसी से बाहर हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि अभी इस पर जो आखिरी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो आना बाकी है। और जहां तक उम्मीद यही है कि बीएड के पक्ष में ही फैसला आएगा। रही बात हाईकोर्ट ने इसीलिए मना किया कि हाईकोर्ट का मना करने का तर्ज यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं। ठीक है, इस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब हम रिजल्ट को आउट कर देंगे बीएड वालों को। तो इसे जो खबर है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आने दो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अभी ये सिर्फ अलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर सीटेट 2022 के रिजल्ट पर ये बताया है कि नहीं, बीएड जो बीएड वाले हैं उनका प्राइमरी का रिजल्ट नहीं दिया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट मिलता है वो जरूर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, कूल होकर आप आगे की तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अभी बाहर हुए हैं आप लोग, बस रिजल्ट पे रोक लगा हुआ है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा वैसे आपके रिजल्ट आउट कर दिए जाएंगे। जो भी सूचना मिलती है हम जरूर आपके सामने आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।